फटाफट कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी की, इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे उत्तर भारत में तापमान में लगातार गिरावटें आ रही। शिमला में 5 दिन से बिजली गुल है और करीब 280 सड़कें बंद हैं। पूरे हिमाचल में अब तक ठंड की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 दिनों में पारा और नीचे गिर सकता है। पूरे देश में ठंड से ठिठुरन है। पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से राजधानी दिल्ली में भी लगातार ठंड बढ़ रही है। गुरुवार दिल्ली में सीजन का सबसे सर्द दिन रहा है। टेम्परेचर 2.0 डिग्री सेल्सियस रहा है। दिल्ली में सरकारी स्कूल 19 तारीख तक बंद कर दिए गए, जबकि नोएडा में 15 जनवरी तक सारे स्कूल बंद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ने के बाद आज उन्हें इलाज के लिए दिल्ली लाया जाएगा। पासवान को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद कल पटना के एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स की एक टीम उनका इलाज कर रही है। पासवान 5 दिनों के लिए बिहार में। इस दौरान उन्हें पटना, खगड़िया, बेगूसराय, मोकामा में बैठक करनी, साथ ही 15 जनवरी को मकर संक्रांति त्यौहार में वो हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। आगरा में ट्रेन के अंदर जाम छलकाने का मामला सामने आया। आगरा कोर्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस में कुछ लोग सरेआम शराब पीते नजर आए हैं। इनमें से एक आरपीएफ का सिपाही था जो उनको संरक्षण दे रहा था। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक शख्स ट्रेन में बेधड़क शराब का पैक बना नजर आ रहा है। इनको ना तो पुलिस का डर है, ना ही बाकी यात्रियों की चिंता है। बागपत में थाना पुलिस की जांच हुई है और एक बच्चे को जीप ने रौंद दिया है। हादसे में बच्चे की मौके पर मौत हो गई। मासूम की मौत से नाराज लोगों ने दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर जाम कर दिया है। समझाने बुझाने के बाद हालांकि इस पूरे जाम को खोल दिया गया है। लखनऊ में 1.5 करोड़ के सोने की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंदिरा नगर इलाके में सराफा व्यापारी की दुकान में सेंध लगाकर बदमाशों ने तिजोरी काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लखनऊ में एक के बाद एक बड़ी वारदातों के चलते पुलिस के खिलाफ व्यापारियों का गुस्सा फूटा है। पुलिस के आश्वासन के बाद व्यापारियों का गुस्सा शांत हुआ है। गाजियाबाद से खबर है जहां के मोदी नगर इलाके में आर्थिक तंगी के चलते किसान ने खुदकुशी कर ली है। किसान को जमीन अधिग्रहण के बाद भी सरकारी मुआवजा नहीं मिला था। इस मामले में कई बार उसने डीएम से मुलाकात की, लेकिन कार्रवाई ना होने की वजह से वो काफी परेशान था, जिसके चलते आखिरकार उसने सुसाइड कर लिया। हैदराबाद में काइट फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। पतंग उड़ाकर लोग इस फेस्टिवल का लुत्फ उठा रहे हैं। पंजाब समेत समूचे उत्तर भारत में लोहड़ी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर डांस में मस्त हैं। लोहड़ी के दिन शाम के समय लकड़ियों की ढेरी बनाकर उसमें सूखे उपले रखकर विशेष पूजन अर्चना की जाती है। तिल, गुड़, रेवड़ी, मूंगफली, गजक का भोग लगाया जाता है।